वेलकम दोस्तों, नेचुरल हर्ब्स केयर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर अहमद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नेचुरल हर्ब्स केयर में। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए वे प्रोडक्ट या वे नुस्खे लाते हैं जो बहुत ही कारगर होते हैं और जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, हम जितने भी आपके लिए नुस्खे लाते हैं, हम ये आपके लिए ये नज़र में रखते हैं कि वे एक तो वे नुस्खा वे बहुत ही सस्ता हो और आपको उसका रिज़ल्ट 100% आए। तो दोस्तों, आज का जो मैं आपका नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही अच्छा है और मेरे पास काफ़ी बंदों की कॉल आ रही थी, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। वे कह रहे थे जैसे कि हमारे चेहरे पर कालापन आ रहा है और हम अपनी स्किन को और वाइट बनाना चाहते हैं और अपने चेहरे पर हम चाहते हैं हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाए और जो हमारे चेहरे पर कालापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दाग धब्बे होते हैं, जो बहुत से बंदों के ऐसे होते हैं जिनके कभी फुंसी निकली और उनके चेहरे पर दाग रह जाते हैं। ये जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये उनके लिए भी बहुत कारगर है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो आजकल की हमारी लाइफ है और हमारा जीवन है, ये एक तरीके से हमारे जो जैसे हमारे चेहरे पे कालापन आता है, फुंसी फोड़े निकलते हैं, हमारे खान पान पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि आजकल का जो हमारा खान पान है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम कुछ भी खा लेते हैं, जैसे चाट पकौड़ी जो भी हमें आदि मिलता है, हम तेल की ऑयल की चीज़ें खाते रहते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे हमारी हेल्थ डाउन होने लगती है और फिर वो हमारे चेहरे पर आ जाती है। उससे क्या होता है हमारी चेहरे की स्किन बहुत ऑयली हो जाती है और धीरे धीरे उसका कालापन होने लगता है। तो दोस्तों, मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप इसे करके देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं अपने नुस्खे की तरफ चलूँ, मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ पूरी वीडियो में जुड़े रहें, जब भी आपको पता लग पाएगा आपको ये नुस्खा कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नंबर एक मैदा, नंबर दो बेसन, नंबर तीन टमाटर। दोस्तों, जैसे कि ये तीन चीज़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम जो आज नुस्खा बनाने जा रहे हैं, जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा। नंबर एक मैदा, नंबर दो टमाटर, नंबर तीन बेसन। दोस्तों, ये जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये कालेपन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपको ये नुस्खा कैसे तैयार करना है। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप टमाटर देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको इस टमाटर को काट लेना है। हम जो क्योंकि स्क्रीन के लिए आधा टमाटर काफ़ी है, अगर आप एक बंदा यूज़ कर रहे हो तो आधे टमाटर से एक बंदे का लेप बन जाएगा। जैसा आपने देखा, हमने इसे टमाटर को दो टुकड़ों में बांट लिया है। अब आपको इसका आधा टुकड़ा यूज़ करना है। दोस्तों, आपको ये यूज़ कैसे करना है, जैसे आप ये कद्दूकस की मदद से या मिक्सी की मदद से आप कैसे भी क्या आपको इसे पीस लेना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम इसे बारीक करके पीस लेते हैं। इसी तरीके से आपको ये कसना है। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही कारगर नुस्खा है चेहरे पे ग्लो लाने के लिए और चेहरे को और निखारने के लिए, रंगत के लिए। काफ़ी बंदे हमारे यूज़ कर रहे हैं जिनकी स्क्रीन में कालापन था या जिनके चेहरे पे दाग धब्बे थे, उनके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जो मैं आपको ये नुस्खा बताने जा रहा हूँ। और ये बनाने का तरीका ऐसे बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये तीन चीज़ का यूज़ करना है और ये तीन चीज़ आपको ईज़िली अपनी रसोई घर में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये देखें, जैसे कि मैंने पीस लिया है ये नींबू, ये दोस्तों टमाटर तैयार हो चुका है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें दूसरे नंबर पे एक चम्मच आपको इसमें मिलाना है बेसन, ठीक, और एक चम्मच आपको मिलाना है इसमें मैदा। तो दोस्तों, जैसे कि ये तीनों चीज़ें मिल गई है, अब आपको करना क्या है, इन्हें तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है और इसका लेप बनाना है। ठीक है दोस्तों, आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक लेप के रूप में तैयार हो चुका है। दोस्तों, जो मैंने आपको ये नुस्खा बताया, इसमें बहुत कई तरह के विटामिन है जो हमारे चेहरे पर रंगत बढ़ाते हैं। इसमें विटामिन सी है जो आपके चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसीलिए दोस्तों इसका रिजल्ट जो आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, तीनों चीज़ें आपस में बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। अब आपको मैं बता दूँ ये इसे यूज़ करने का तरीका क्या है। इसे यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको ये अपने चेहरे पे जैसे मुल्तानी लगाते हैं सिंपल तौर पे, इस तरीके से आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना है और इसे अपने चेहरे पर जब तक के लगा कर छोड़ देना है जब तक के पूरी तरीके से सूख ना जाए। और जब ये आपके चेहरे पे सूख जाए तो आप मतलब 10 से 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से इसे आसानी से धो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि आप अपनी लाइफ को और हेल्थी कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।